हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके बीच में मैं लेकर आई हूँ। नेट की बजाय जैसे नेट एग्जाम होता है वैसे ही सेट एग्जाम होता है। जैसे नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वैसे ही सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऐसे ही दोस्तों सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आज जारी किया जा चुका है। 2021 के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके लिए आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेट है तो एक पर्टिकुलर स्टेट ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। बट इसमें बैरियर नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप जहां से भी हैं इंडिया के किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं गाइस, मेरा नाम है कृतिका पारेख, एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे। और अन अकेडमी पे मैं नेट एग्जाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। तो अगर आप अन अकेडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो UGC 10 कोड की मदद से अन अकेडमी पर आप आकर के जुड़ सकते हैं और हमारे साथ में फ्री और पेड क्लासेस ले सकते हैं। अब जहां तक बात है कि कौन से स्टेट के अंदर ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, तो ये आपके है दोस्तों TNSET, इट मीन्स तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तमिलनाडु के अंदर जो अनामलाई यूनिवर्सिटी है उसने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करी है दोस्तों। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हुई है, मतलब कि 7 जून आज से ही स्टार्ट हुई है दोस्तों। और लगभग लगभग ये जो एग्जाम है आपका ये 26 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कैसे आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फीस है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, उन सभी के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्पेशल क्राइटेरिया है वो ज़्यादा कुछ इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक डिग्री यहाँ होनी चाहिए। जो जनरल क्राइटेरिया नेट एग्जाम के लिए होता है वही यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया था सेट एग्जाम का तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो 7 जून आज ही आया है। इसी के साथ साथ दोस्तों जिसके रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 7 जुलाई तक है, इट मींस 1 मंथ 30 डेज तक इसके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। लास्ट डेट है इसकी रजिस्टर्ड कराने की 7 जुलाई 2021। बट गाइज यहाँ पे कोई एक एग्रीगेट डेट नहीं दी हुई है क्योंकि पैरेंडेमिक का माहौल है, तो हो सकता है डेट्स आगे पीछे हो जाए। बट आज ही नोटिफिकेशन आया तो अप्लाई जल्दी से जल्दी करेंगे तो सही रहेगा। एग्जाम डेट का भी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट टेंटेटिव आइडिया लिया जा रहा है जुलाई और अगस्त का। तो जुलाई और अगस्त में ही आपके एग्जाम डेट होगी, आंसर की भी तभी आएगी और रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी जुलाई अगस्त में। इसका मतलब यह है कि अगर जुलाई में एग्जाम होती है तो विद इन 15 to 20 डेज के बीच में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और काउंसलिंग जो भी करवाना चाहेंगे उनके लिए काउंसलिंग का टाइम रखा गया है अगस्त और सेप्टेम्बर। मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, ये सिर्फ टेंटेटिव है, पैंडेमिक की क्या सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग डेट आगे भी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो वही जो नेट में होती है, आपको मास्टर डिग्री या उसके इक्वलेंट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी हो सकता है। अब बात आ जाती है कि मैंडेटरी सब्जेक्ट, क्योंकि तमिलनाडु में है तो क्या कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंडेटरी सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या कंप्यूटर साइंस, ये सब जो है ये जो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसी में इनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। परसेंटेज बिल्कुल नेट के इक्वलेंट है, वही 55% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को। और अगर आप ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50 मार्क्स हो जाते हैं आपके लिए, जिसमें आप PWD, SC ST, नॉन क्रीमी लेयर सभी को 50 मार्क्स। और अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए होते हैं। अब काफ़ी सवाल रह सकता है कि काफ़ी लोग अभी मास्टर्स कर रहे हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी आल्सो एलिजिबल फॉर द TNSET। तो अपियरिंग कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ बात कर ली है हमने क्राइटेरिया की, अब बात आती है एज लिमिट की। सो गाइज, देर इज नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर TNSET एग्जाम। कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप जैसे नेट एग्जाम में, जैसे नेट में JRF होता है तो JRF के लिए एज लिमिट सेट है 30 साल और अभी ये 31 साल कर दी गई है। बट इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति इस पे अप्लाई कर सकता है। फीस क्या रहने वाली है, तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरीज की फीस रहेगी इसमें 1500। जो भी आपके BCM, MBS और DNC है उनके लिए 1250 और SC ST और PWD एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए 500 इसकी फीस है। नेट के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है। अब देखिए, इतनी हमने बात कर लिया, फिर एक बात ये आ जाती है कि मैम एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए गाइस, इसका जो एग्जाम मोड रहने वाला है वो आपके ऑफलाइन मोड में ये रहेगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, चांसेस हैं। बट अभी तक यहाँ पे यही नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि ये ऑफलाइन अवेलेबल है। क्वेश्चन के टाइप्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई है। और देखिए गाइस, यहाँ पे जो एक नुकसान यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हो चुका है,
एग्जाम का जो मीडियम है दोस्तों, वो दो मीडियम यहाँ पे रहने वाला है, एक है इंग्लिश मीडियम और एक है तमिल लैंग्वेज। इसका मतलब ये एग्जाम हिंदी में नहीं है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा लॉस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हो सकता है। तमिल तो ऑब्वियसली जो तमिल स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको आती होगी, बट जो अदर स्टेट से हैं जो ये देखते हैं कि हम हिंदी में एग्जाम दे लेंगे तो नहीं, इंग्लिश या फिर तमिल दो ही लैंग्वेज में ये एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये एक स्टेट का एग्जाम है तो ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है कि वो किस लैंग्वेज में एग्जाम लेना चाहते हैं। तो इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी में एग्जाम नहीं है, ये यहाँ के नोटिफिकेशन में साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फिर बात आती है सिलेबस की, कि सिलेबस यहाँ पे कैसा रहने वाला है दोस्तों, तो ये बात देख लेना, यहाँ पे कोई भी तमिल का यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। टीएन सेट 21 सिलेबस विद द सेम एज इन यूजीसी सीएसआईआर नेट। सिलेबस विल बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेपर। पेपर वन विल बी ऑफ जनरल नेचर, इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट। इट विल बी प्राइमरी बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट, एंड पेपर सेकेंड एंड थर्ड विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो यहाँ पे ये बैरियर नहीं है कि आपको तमिल का या तमिलनाडु की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, जी नहीं, यहाँ पे आपको वही जो नेट में पहले पेपर वन का फॉर्मेट होता था, पेपर वन जनरल अवेयरनेस और पेपर टू यहाँ पे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो गाइज ये थी आपके तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें। ज़्यादातर सारी बातें बिल्कुल सेम है नेट की तरह, बस एक अंतर यहाँ पे ये है, फीस इसकी कंपेरेटिवली नेट से ज़्यादा है, और दूसरा ये एग्जाम हिंदी सॉरी इंग्लिश और तमिल में होने वाला है, हिंदी में ये एग्जाम अवेलेबल नहीं है। बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तमिलनाडु का कोई इतिहास भूगोल नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपके पेपर वन और पेपर टू थ्री सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर गाइस अब देखिए पेपर वन और टू के मार्क्स क्या रहने वाले हैं, तो मार्क्स की जहाँ बात करें तो पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर भी 100 का है और थर्ड पेपर 150 का है। तो ऐसे करके आपके वही टोटल यहाँ पे हो जाता है। और आवर्स की भी ड्यूरेशन की भी अगर बात करें, फर्स्ट पेपर 1 आवर 15 मिनट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड थर्ड पेपर 2 आवर्स का यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अब हम इसमें अप्लाई कैसे करें। तो गाइज आपको अप्लाई करने के लिए कहीं नहीं जाना है, www.tnseetau.in पर आपको जाना है, तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी.in पर आपको जाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों पहले वेबसाइट पे जाने से पहले आपको इससे रिलेटेड जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा, और जो गाइज इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि ये इसका कैसे हमें अप्लाई करना है। सो दोस्तों जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि इसका पेपर वन और पेपर टू नेट से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, तो अगर आप दोस्तों अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हैं पेपर वन और पेपर टू की, तो अनअकैडमी का आज ही दोस्तों आप अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर तो मिलते ही हैं, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट मिलते हैं, और अगर आइकॉनिक में जाते हैं तो पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल, इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको यहाँ पे करवाई जाती है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है दोस्तों, जब भी नेट का सब्सक्रिप्शन ले आपको अपना प्लान यहाँ पे चूज कर लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में जाके, मानिए कि आपने 12 महीने का प्लान सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप एक रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं UGC10। इससे क्या होगा, आपको अपने नेट के सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिल जाएगा, 13,750 से फीस रिड्यूस होकर 12,375 तक हो जाएगी। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप EMI पर भी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये आज का जो वीडियो होगा वो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।